नमस्कार, कोको विधि में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट रबड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसको हमने गैस जलाकर कढ़ाई में चढ़ा दिया है और थोड़ा सा दूध हमने इससे निकाल लिया है। हमें इसको खूब गाढ़ा होने तक पकाना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और एक ख़ास इंग्रेडिएंट की वजह से ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है। बस हमें ये ध्यान देना है कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे। वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स ये हमारे ब्रेड हैं। ये हमने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए लिए हैं। इसके किनारे हमने कट कर दिए हैं और अब एक मिक्सर जार में डालकर इसके क्रम बना लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि आप भी इसी तरह से इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर सकें। ये देखिए, हमारे ब्रेड क्रम बनकर तैयार हैं। दूध को भी हम चला देते हैं। कढ़ाई में जो भी किनारे किनारे मलाई जम जाती है उसको हम बार बार निकालते रहेंगे। और ये ब्रेड क्रम अब हमने इसमें डाल दिए हैं। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, वो मैंने काट लिए थे, वो भी इसमें डाल देते हैं। और दूध को लगातार चलाते हुए हमें गाढ़ा करना है। ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। ये सब मिक्स करेंगे। कढ़ाई को हम साइड से सारा दूध इसका मलाई निकालते रहेंगे। ये इसमें ये हमने 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, और मिल्क पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आप इसमें चीनी डालकर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, लगभग ये आधे से भी कम हो गया है। अभी हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अब ये केसर वाला दूध, जो दूध हमने निकाल के रखा था उसमें हमने केसर के धागे डाल के रख दिए थे, तो वो केसर वाला दूध अब हम इसमें डाल देंगे। सब मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। देखिए हमारी रबड़ी कितनी गाढ़ी बन गई है। अब हम इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये देखिए गाढ़ी भी कितनी हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।